संकट की इस घड़ी में मुझे पूरी सेना सहित आपकी सहायता के लिए आने की आज्ञा दें। मुझे आज्ञा दीजिए भैया। नहीं नहीं नहीं, परंतु कुछ भी कहिए, अगर मैं होता तो मैं सेना लेकर चल दिया होता। परंतु भरत, मेरी आज्ञा के बिना अयोध्या को आरक्षित छोड़कर एक पग भी नहीं उठाएगा। मैं उसे जानता हूं लक्ष्मण, भरत जैसा महापुरुष धरती पर बिरला ही पैदा होता है। जीवन में अनेक बार मेरे रक्त में क्रोध का उबाल आया है, उन सब का कुछ न कुछ औचित्य मैं सिद्ध कर सकता हूं, परंतु एक क्रोध एक आवेश के लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर सकता। वो क्या? देवता समान भरत भैया पर संदेह, उनके प्रति दुर्भावना, उन पर शस्त्र प्रहार के लिए तैयार हो गया मैं। इस क्लानी को मैं अपने मन में से कभी नहीं निकाल पाता। भूल चूक भ्रांत भावना में भटक जाना मानव मात्र का प्राकृतिक स्वभाव है लक्ष्मण। लक्ष्मण, वास्तव में तुम भावना प्रधान हो। तो क्या भावुक होना बुरी बात है भैया? नहीं, भावुक होना तो अति सुंदर बात है। भावना विहीन मनुष्य एक हिंसक पशु के समान होता है, परंतु जब भावना पर ज्ञान का अंकुश न रहे तो भावना के आवेश में कई बार भूल हो सकती है। परंतु जो आपकी भांति ज्ञानी ना हो वो अपनी भूल का प्रायश्चित कैसे करे, अपनी भूल कैसे सुधारे? पश्चाताप से। तुम्हारे मन में जो पश्चाताप की भावना है उसी से प्रायश्चित हो गया समझो। जोहार भरत राजा। नहीं निषाद राज, मैं आपकी शरण करता हूं। अयोध्या के राजा आप ही कह रहे हो? भैया आपको हृदय से लगाते हैं, आप मुझे अपने गले से लगा लीजिए। मुझे ऐसा ही लगेगा जैसे मेरे राम भैया ने मुझे स्पर्श किया हो। आप मुझे इस योग्य नहीं मानते ना? ठीक है, मेरे पापों का यही दंड है। नहीं नहीं भरत भैया, नहीं नहीं मोर भैया, हमसे भूल हो गई।